शुक्रगुजार हूँ गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टेसोरी साहब का कि आज अपने बहुत कीमती वक्त में से टाइम निकाल के लाए और मैंने इन्हें रात को बताया कि ये असल में जो हमारा बेसिक थीम है वो ये है कि पाकिस्तान जो पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है, एथनिकली डिवाइड हो गया है, सेक्रेटेरियल तरीके से डिवाइड हो गया है और ये बड़ी मेहनत से तुम्हारे हमारे आबा अजदाद ने मिल के बनाया, लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी। तो अब शायरों का, अदीबों का, फनकारों का और मुसव्विरों का ये फ़र्ज़ है कि इसकी फेडरेशन को मजबूत करें। और कैसे करें कि इंटरेक्शन करें। अभी ये जुल्फी मेरा दोस्त है, अलमरा का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मारूफ पेंटर है। मैंने इसके पास जाके पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल किया और एक आवाज़ गवर्नर साहब सिंध के ख़िलाफ़ नहीं उठी, कराची के ख़िलाफ़ नहीं उठी। वो वेलकम पंजाब ने हमारा किया कि जो आज तक उन्होंने कभी किसी का नहीं किया होगा। तो ये जाली नफ़रतें हमारे दरमियान फैलाई गई हैं, ये जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो ताकतें हमें कमज़ोर करना चाहती हैं, हम इस डिज़ाइन को समझ गए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की शुरू से ये कोशिश है कि मोहब्बतों के ज़रिए, जब इस शहर में गवर्नर साहब 45-45 लोग एथनिक बुनियादों पे कत्ल होते थे, तो उस वक्त हमने सिंधियों को, उर्दू स्पीकिंग को, पश्तूनों को एक मरकज़ पे दानिश्वरों को बिठाने की कोशिश की। और आज ये सूरत हाल है कि हमारी लिटरेरी कॉन्फ्रेंसों में एक टेबल पे बैठते हैं अपने अपने इख्तलाफ के साथ, लेकिन डायलॉग पे आ गए हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मदद मिली है। अभी जैसे मेरा दोस्त कोयटा से आया, दिया खान से आया, पिशावर से आया, लाहौर से आए, दूसरे शहरों से आए, जाम शोरत तो ज़ाहिर है सिंध है ये सारे। और मकसद वो एक है कि हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम पाकिस्तान की खूबियाँ, उसके क्रिएटिव लोग, उसके आर्टिस्ट, उसके मुशायरे, उसके म्यूजिशियन, उनके गाने और वो सारी चीज़ें सेलिब्रेट करें। कुदरत की सनाइयाँ, पहाड़, दरिया, रंग और मुसव्वरी से ज़्यादा बेहतर कौन चीज़ होगी जो उन सारे रंगों के ज़रिए इस मुल्क की तस्वीर दे रहा है। तो यही मकसद था जिसके लिए आप भी आए हैं, काम कर रहे हैं। और अब मैं एजाज़ुल हसन साहब हमारे मुल्क के बहुत ही लेजेंडरी, तालियां बजा दो तनवीर के लिए। थैंक यू द ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब, अहमद शाह साहब, प्रेजिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड इज नाउ होल्डिंग 35th प्रेजिडेंट पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची। ये नेशनल एग्जीबिशन 2023 का इनकाद करना एक बहुत ही अच्छा अमल है और नेशनल लेवल पे ये तमाम एग्जीबिशंस जो फॉर्म है डिफरेंट, कैलीग्राफी, मिनिएचर पेंटिंग, वैसे जो लाइट पेंटिंग होती है, पाकिस्तान के बहुत नाम पर लोग गुजरे हैं पेंटिंग में और जो आज के हमारे पेंटर्स हैं जो अपनी पूरा जहन और दिल की अक्कासी करते हैं पेंटिंग के थ्रू और अपना एक मैसेज देते हैं जो कि ताहयात रहता है, लोगों पर बहुत अच्छा असर डालता है। नई जनरेशन्स को ये तमाम पेंटिंग देखने का मौका मिलता है जिससे उनकी जो जहनी कैफियत है जो पेंटर्स की, जो वो बात कहना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहमद शाह साहब को, उनकी पूरी टीम को और जितने भी पेंटर्स आर्टिस्ट यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ कराची में। सबसे ज़्यादा शुक्रिया ऑनरेबल गवर्नर साहब का कि इस किस्म की जो कल्चरल और आर्ट की जो महफिलें हैं उसमें आना बहुत ही कराची के लिए एहसास की बात है और बहुत बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं तमाम इवेंट्स में आके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अहमद शाह साहब की दावत पे मैं आर्ट्स काउंसिल आया और नेशनल आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम इस गैलरी में किया गया है जिसमें पूरे पाकिस्तान से आर्टिस्ट हजरात मौजूद हैं और मैं उनसे मिला
और मिलके ये खुशी हुई कि ये सब पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत को फैलाने का काम कर रहे हैं और नफ़रतें ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों में शायर, दानिश्वर, मुसव्विर, ये तीन तबकात जब से खामोश हुए तो इस मुल्क में माशी और माशरती बुराइयों ने जन्म लिया है। क्योंकि अगर ये तीन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मैं इनको पाकिस्तान के उन ज़हीन तरीन समझदार लोगों में से समझता हूँ, क्योंकि जब किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों सूरतों में कि वो माजी और मुस्तकबिल की अकासी कर रही होती है, और जो मुस्तकबिल की अकासी करना जानता हो उसे हमें आगे लाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी तरह से शायर, आप किसी की भी शायरी देख लें उसमें एक मैसेज है, ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा जानता है और शायरी से ही वो बता रहा है कि हमें कैसे चलना है। और दानिश्वर, तो ये तीन तबकों को हमने पीछे छोड़ा तो आज हम पाकिस्तान को कहाँ ले गए वो सब आपके सामने है। बल्कि अभी जो आपके चेयरमैन का मैसेज पढ़ के सुना रहे थे तो वो भी एक अच्छी बात कह रहे थे कि अहमद शाह साहब से सीखिए, तो मैं सोच रहा था कि वाकई जो शख्स 12 साल से मुस्तकिल चेयरमैन 16 साल से बन रहा हो तो हुकूमतों को सीखना चाहिए इससे, वो 2 और 3 टर्म के बाद बाहर हो जाते हैं। तो ये फ़न वाकई अहमद शाह साहब के पास है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप अच्छा काम करते हैं, लोगों को आपस में मिलाते हैं, इसीलिए लोग आपको बार बार आर्ट्स काउंसिल में ले आते हैं। मेरी दुआएं हैं अहमद शाह साहब के लिए भी, और आज पूरे पाकिस्तान से जितने आर्टिस्ट आए हैं तो मैं अहमद शाह साहब से कहूंगा कि अगर उनके बिज़ी शेड्यूल में से कोई टाइम निकले तो मैं चाहूंगा कि उनको मैं गवर्नर हाउस बुला के उनके लिए सराहना या शायर जितने भी आर्टिस्ट यहाँ आए। मैं ये समझता हूँ कि आप सबसे भी मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि आइंदा आप जो पेंटिंग्स बनाएं उसमें पाकिस्तान का जो हाल और हशर हुक्मरानों ने कर दिया है उसकी भी अक्कासी दिखाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान तो बना था उन लोगों के लिए जो इसकी तरक्की में और इससे मोहब्बत करने के लिए हिजरत कर आए थे, लेकिन 1% उस तबके ने इस पाकिस्तान को काबू में कर लिया और उस तबके ने इस पाकिस्तान को IMF के पास, कभी किसी और के पास कर्जे की सूरत में रख दिया, और वो कर्ज जिन्होंने लिया था वो नहीं उतार रहे बल्कि ये कर्ज उस कौम के हवाले कर दिया है जो अपने घर का और अपने घर वालों का खर्च बमुश्किल उठा पा रहे हैं। इसकी मिसाल मैं सिर्फ ये दे दूं कि कर्जा तो लिया किसी और ने था और आज आप 300 रुपये पेट्रोल की कीमत में उसे उतार रहे हैं, और बिजली, पानी और गैस का तो पूछे ही ना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जिस शहर में समंदर है उसमें पीने का पानी ही नहीं। तो 75 साल गुजरने के बाद हमारे हुक्मरानों ने, हमारे वडेरों ने, हमारे सनतकारों ने और सभी ने इस पाकिस्तान से सब कुछ बना लिया और फिर आखिरी में पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया, और अब जो बचा कुचा पाकिस्तान है वो उसकी किस्तें उतारने के लिए रह गया है, उसका कर्ज उतारने के लिए रह गया है, उसका सूद उतारने के लिए रह गया है, और हम सब खामोश तमाशाई बनके ये सब देख रहे हैं।
तो खामोशी भी बड़ा गुनाह है। आए हम सब मिलके इस खामोशी को तोड़ें और पाकिस्तान बचाएं, क्योंकि सियासत तो होती रहेगी और हो रही है। मैं तमाम ही सियासतदानों को और हुक्मरानों को ये कहूँगा कि ये वक्त सियासत का नहीं है। हम सब बैठकर इस पाकिस्तान के माशी हालात ठीक करें, पाकिस्तान की आवाम के जो इस वक्त हालात हैं उसको बेहतर करें, और जब तक हम सब मिलजुल कर ये काम नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। आज पाकिस्तान दुनिया में रुसवा हो रहा है हमारी इन हरकतों की वजह से। जिस बांग्लादेश को हमने 2% का कह के हमसे अलहदा कर दिया था, आज वो 97 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स के साथ है। जिस हिंदुस्तान के साथ हम आंखें मिलाकर आज तक लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, वो 650 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में काम कर रहा है। और पाकिस्तान के पास सारे वसाइल होते हुए, कुदरती कह लें, बुनियादी कह लें, दुनियावी कह लें, सारा टैलेंट मौजूद होने के बावजूद भी हम 1 और 2 बिलियन डॉलर के लिए आवाज़ और हाथ फैला रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि हम कैसे इस मुल्क को और इसकी आवाम को बचाएं। ये एक सवाल है, और अगर समझ में आ जाए तो सब अपना अपना काम करें, अपने हिस्से का, जो वैसे तो आप अपने हिस्से का कर्ज अदा कर ही रहे हैं जो आपने नहीं लिया, लेकिन कुछ करना है इस वतन की खातिर। आज सबसे ज़्यादा 75 साल गुजरने के बाद इस वतन को हम सब की ज़रूरत है। इस वतन से हम सब बने हैं, आज हम सब बनने के बाद अगर इस वतन के लिए कुछ कर सकते हैं तो आगे आएं और हम सब मिलजुल कर इसका काम करें। शुक्रिया। बहुत अच्छा।